दोस्तों ह्यूमन बॉडी के अंदर चार बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, लीवर और किडनी। ये चारों ऑर्गन्स अपना काम सही तरीके से करके हमें जिंदा रखते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हम 3D एनिमेशन की मदद से जान चुके हैं कि ये तीनों ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि हमारा किडनी कैसे और क्या काम करता है, तो आइए जानते हैं इसे। दोस्तों किडनी हमारे लंग्स और लीवर के ठीक नीचे पीठ की साइड में होता है। किडनी राजमा के शेप का होता है। इसका साइज हर इंसान के उसके मुट्ठी के बराबर होता है, यानी आपके हाथ की मुट्ठी का जो साइज है वही साइज आपकी किडनी का भी होता है। किडनी के ऊपर टोपी के जैसे किडनी से दो ग्रंथियां जुड़ी होती है। इन ग्रंथियों को एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन को बनाता है। किडनी का काम हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करना है, साथ ही ये हमारे बॉडी में वाटर लेवल को कंट्रोल करके यूरिन यानी पेशाब को बनाता है। किडनी हमारे ब्लड में मौजूद अमोनिया, यूरिया और भी कुछ हानिकारक पदार्थों को ब्लड में ही मौजूद पानी के माध्यम से एब्जॉर्ब करके उससे यूरिन को बनाता है। किडनी से दो ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है। एक से अशुद्ध खून किडनी के अंदर जाता है और दूसरे से शुद्ध होकर खून बाहर आता है। किडनी से एक पाइप नीचे की तरफ निकली हुई होती है, इसे यूरेटर कहते हैं। इसी यूरेटर से किडनी के द्वारा बनाया गया यूरिन बाहर निकलता है और नीचे जाकर एक टैंक में जमा होता है, जिसे ब्लैडर कहते हैं। ब्लैडर लगभग 500 ml तक यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। जब ब्लैडर में 300 ml तक यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तब हमें मूत्र विसर्जन की इच्छा होने लगती है। चलिए अब देखते हैं किडनी ब्लड को फिल्टर करता कैसे है। हमारा किडनी अंदर से टोटल चार भागों से मिलकर बना है। पहला ये बाहर का कवर वाला भाग, इसे रेनल कैप्सूल कहते हैं। दूसरा इसके ये अंदर का भाग, इसे मेडुला कहते हैं। तीसरा ये यूरेटर से जुड़ा हुआ भाग, इसे पैल्विस कहते हैं। और चौथा ये बीच वाला भाग, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही कॉर्टेक्स है, क्योंकि इसी कॉर्टेक्स वाले हिस्से से हमारा ब्लड फिल्टर होता है। कॉर्टेक्स एक तरह की बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। यही नेफ्रॉन सेल्स हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। एक नेफ्रॉन सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसके सबसे फ्रंट में बॉल के शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे वूमेन कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर गुच्छे के रूप में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिन्हें ग्लैमेरुलस कहते हैं। यहीं पर ब्लड को फिल्टर करने का काम किया जाता है। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। इन बाहर की ब्लड कैपिलरी से अशुद्ध खून वूमेन कैप्सूल में एंटर होता है। यहाँ अंदर आने के बाद ग्लैमेरुलस ब्लड को फिल्टर करने लगता है। जब खून से सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाती है, तब वुमेन कैप्सूल इन अशुद्धियों को खून के अंदर मौजूद पानी के माध्यम से एब्जॉर्ब करके आगे ट्यूब में भेज देता है। वुमेन कैप्सूल से जुड़ी ये ट्यूब आगे जाकर एक कलेक्टिंग डक से जुड़ जाती है। इसी कलेक्टिंग डक से और भी बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक सभी नेफ्रॉन से ब्लड की अशुद्धियों को लेकर आगे पेल्विस में छोड़ देता है, जहाँ से ये अशुद्धियाँ यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में जमा हो जाती है और फिर लास्ट में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। आई थिंक अब आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमारी किडनी कैसे काम करती है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस की 3D वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।